हेलो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो आपकी बिहाइव बुक की एक पोएम है जिसका नाम है नो मैन आर फॉरेन। इस पोएम की हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन को कवर करेंगे। पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस पोएम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। देखिए, पोएम का टाइटल है नो मैन आर फॉरेन, व्हिच मीन्स दैट नो मैन बिलोंग टू अनदर कंट्री। हम ह्यूमन बीइंग्स ने इस अर्थ को सेवरल कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, टेंशन क्रिएट होती है अलग अलग कंट्रीज के बीच में। ठीक है, द पोएट सिंपली वॉन्ट्स टू से दैट ऑल द मैन आर सेम, ऑल द मैन आर इक्वल। ही वॉन्ट्स टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ठीक है, मतलब एक यूनिवर्सल लेवल पर भाईचारा मेंटेन करके रखे हम लोग। मतलब जितनी भी कंट्रीज हैं वो एक दूसरे से लड़े झगड़े नहीं, आराम से शांति से सब लोग अपनी लाइफ स्पेंड करें। सो दिस इज द मैसेज विच पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे टू अस। तो पोएम का फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। स्ट्रेंज मतलब होता है अजनबी, और फॉरेन मतलब तो आप जानते ही हैं, विदेश। सो पोएट इज ट्राइंग टू से दैट रिमेंबर No men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Beneath का मतलब होता है नीचे, ठीक है? Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. So here, poet is attempting to remove the borders from earth. जो हमने एक अर्थ को इतनी सारी countries में distribute कर दिया है, उन बॉर्डर्स को पोएट ने रिमूव करने की कोशिश करी है, ये बताते हुए कि इस अर्थ पर रहने वाला हर एक ह्यूमन बीइंग इक्वल हैं, बराबर हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता हम कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। ठीक है, पोएट इज ट्राइंग टू से कि जिस भी जमीन पर हम रह रहे हैं, अगर हम उसे अपनी मान लें तो बॉर्डर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आप चाइना चले गए, ठीक है, उसे आप अपनी जमीन की तरह ट्रीट करने लगे कि ये तो मेरी है, मुझे इसकी रिस्पेक्ट करनी है, हिफाजत करनी है, तो क्या जरूरत है बॉर्डर्स की? इस पूरी अर्थ को हम सब अपना मानेंगे तो लड़ाई होने का तो कोई चांस ही नहीं है ना। लड़ाई तो तब होती है जब ये मेरा, ये तेरा वो मेरा, इसी में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। बट हमने वो कॉन्फ्लिक्ट्स को ही रिमूव कर दिया। अगर हम मदर अर्थ को अपना मान ले तो कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा ना, लड़ाई का कोई चांस ही नहीं है। तो यही चीज पोएट हमें बताना चाह रहे हैं। ठीक है, जब कोई भी बॉर्डर नहीं होगा, हर एक इंसान यहां वहां जाने के लिए फ्री होगा, सब मदर अर्थ को अपना मानेंगे, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं, सब लोग शांति से अपनी जिंदगी को स्पेंड करेंगे। ठीक है, पोएट इज सेइंग कि ये दुनिया एक है, दिस अर्थ इज वन एंड वी ऑल बिलोंग टू ह्यूमन रेस। Beneath all the uniforms, a single body breathes. यहाँ पर uniform का मतलब है the uniform which is worn by soldiers. अलग अलग countries के soldiers के uniforms तो अलग अलग होती हैं, लेकिन उस uniform के नीचे जो body होती है वो सबकी same है। मतलब सब human beings हैं। Uniform अलग अलग है but उसके पीछे human being same है। ठीक है, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी कंट्री से हैं, सारे ह्यूमन बीइंग्स सभी एस्पेक्ट्स में बराबर हैं। लाइक अर्थ, द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। इसका मतलब है वी वॉक अपॉन द सेम लैंड, है ना, हम सब सेम जमीन पर चलते हैं, और फिर जब हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है, व्हेन वी डाई, हम उसी जमीन में दफनाए भी जाते हैं। तो किस बात का भेदभाव, इतनी सारी सिमिलैरिटीज है हमारे बीच में। मतलब हमारे मतलब यहाँ पर क्या है, जो अलग अलग कंट्रीज से लोग बिलोंग कर रहे हैं, उन सभी में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज हैं। हम सब सेम अर्थ पर चलते हैं, जब हमारी मौत हो जाती है हम उसी अर्थ में दफनाए जाते हैं, तो किस बात की डिससिमिलैरिटीज, हम सब बराबर ही तो हैं। समझ आया? ओके, Now coming to our second stanza, they too aware of sun, air and water, are fed by peaceful harvests, by wars long winter starved,
their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. यहाँ पर दे का मतलब है people belonging to other countries, ठीक है? So we call them foreigners, right? हम उन्हें foreigners बुलाते हैं, discriminate करते हैं और अपने से अलग समझते हैं उन्हें. Poet is trying to say कि nature ने उन्हें भी वो सब दिया है जो हमें दिया है. Nature ने हमें air, water, sunlight दिया है, उन्हें भी दिया है. Nature ने जब हमारे साथ discrimination नहीं किया तो हम कौन होते हैं आपस में डिस्क्रिमिनेशन करने वाले. जब वॉर नहीं होते, जब मतलब दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई नहीं होती, सब कुछ कितना शांत होता है. सब अपने अपने खेतों में फसल उगाते हैं, आराम से उन फसलों को खाते हैं, उन सभी चीजों को कंसीव करते हैं जो भी नेचर ने हमें दिया होता है, राइट? वी लिव अ पीसफुल रिलैक्स्ड लाइफ एट दैट टाइम, राइट? उन सभी चीजों को कंसीव करते हैं जो भी नेचर ने हमें दिया, आराम से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं. लेकिन जब वॉर्स होती हैं तब हम सभी स्टार्व करते हैं. मतलब दो कंट्रीज के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो दोनों कंट्रीज के लोग भूखे मरेंगे. ऐसा नहीं है कि एक मरेगा और एक नहीं, नहीं, दोनों को नुकसान है उस चीज से, ठीक है? जैसे कि सर्दियों के वक्त हमारे यहाँ पर भी सर्दियां पड़ती हैं, वहां पर भी सर्दियां पड़ती हैं. विंटर्स को हम सब फेस करते हैं, समर्स को हम सब फेस करते हैं. वैसे ही वॉर्स में होने वाले डिवास्टेशन को दोनों कंट्रीज को फेस करना पड़ेगा. तो लड़ाई करनी ही क्यों? हम इस मदर अर्थ को जब अपना समझेंगे, बॉर्डर्स ही नहीं रहेंगे, तो क्या तेरा क्या मेरा, लड़ाई होगी ही नहीं, राइट? यही आइडिया पोएट हमें समझाना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू. ही सिंपली वॉन्ट्स टू से दैट द पीपल हु बिलोंग टू अदर कंट्री एंड वी आर सेम, ठीक है? उनके हाथ भी हमारे जैसे ही हैं, उनके हाथों में भी हमारी तरह लकीरें हैं, उनके हाथ भी उतना ही हार्डवर्क करते हैं जितना कि हम लोग करते हैं. किसी भी मैनर में हम अलग नहीं हैं, ठीक है? सपोर्ट इज गिविंग एग्जाम्पल्स टू कन्वे टू द रीडर दैट देयर इज नथिंग डिफरेंट इन अस एंड द पीपल हु आर बिलोंगिंग टू अदर कंट्रीज. क्लियर है? पोएट इतने सारे एग्जाम्पल्स हमारे बीच में सिमिलैरिटीज के इसलिए दे रहे हैं ताकि वो हमें ये समझा पाए कि हम दूसरे कंट्रीज के लोगों से बिल्कुल अलग नहीं हैं. क्लियर है? चलिए अब थर्ड स्टैंजा को डिस्कस करते हैं. रिमेंबर दे हैव आईज लाइक अर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव. इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ that all can recognize and understand. People of the other country whom we think to be our enemies, they are same in appearance as we do. वो हमारी तरह ही दिखते हैं, हम उन्हें अपना दुश्मन पता नहीं क्यों मानते हैं. They too are human beings, we too are human beings. तो किस बात का discrimination है हमारे बीच? उनके पास भी हमारी तरह आंखें हैं जो सोती हैं, उठती हैं. उनके पास भी स्ट्रेंथ है जिसे प्यार से जीता जा सकता है. अगर हम इस चीज को समझ लें, हमें ये चीज रियलाइज हो जाए दैट वी ऑल आर सेम, तो लड़ाई होने का कोई चांस ही नहीं है. हम इस मदर अर्थ को अपना समझ लें, इसे अपना लें, तो क्यों लड़ाई होगी अलग अलग कंट्रीज में? बॉर्डर्स ही खत्म हो जाएंगे, सब आराम से रहेंगे. वो लड़ाई का जो जड़ है वो ही खत्म हो जाएगा. लड़ाई का जड़ क्या है? बॉर्डर्स. इतना एरिया मेरा है, इतना एरिया तुम्हारा है, तुम इस एरिया से मेरे एरिया में नहीं आओगे. आए तो वॉर, और वॉर की वजह से क्या? दोनों कंट्रीज को नुकसान. फायदा कुछ नहीं होता है, सिर्फ नुकसान ही होता है. तो मदर अर्थ को अपना मान लो और ये लड़ाई झगड़ा सब खत्म करो. सिंपली पोएट यही बताना चाहते हैं हमें. समझ आया? नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट स्टैंजा. लेट अस रिमेंबर Whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. इस स्टैंजा में पोएट हमें एक चीज को दिमाग में बिठाने के लिए बोल रहे हैं. पोएट इज सेइंग कि एक चीज तुम ध्यान में रखो कि जब भी कोई ऐसा बोलता है कि ये वाली कंट्री तुम्हारी दुश्मन है, और हम जब उसे दुश्मन मान भी लेते हैं,
तब उस वक्त हम अपने आप को ही चीट कर रहे होते हैं, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। हम किस बेसिस पे सामने वाले से नफरत करें, हम क्यों उसे अपना दुश्मन माने, सिर्फ इसलिए कि वो दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है? क्यों भाई, है ना? समझ रहे हैं आप इस बात को? जब कोई हमसे कहता है कि ये फॉरेनर्स हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, और हम ऐसा मान भी लेते हैं, लेकिन ऐसे में हम अपने आप को ही चीट कर रहे हैं। हम एक दूसरे से ही नफरत कर रहे हैं बेवजह। जब भी आपको कोई ऐसी सलाह दे, ऐसी नेगेटिविटी से दूर रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो जो खराब थॉट्स आपके दिमाग में भर रहे होते हैं, ठीक है? पोएट इज सेइंग के रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, मतलब कि जब भी वी टेक वेपन्स अगेंस्ट द पीपल ऑफ अनदर कंट्रीज, तब क्या होता है, ये हम नेक्स्ट स्टैंजा में पढ़ेंगे, ठीक है? पोएट इज सेइंग कि जब भी हम दूसरी कंट्री के अगेंस्ट वेपन्स उठाते हैं, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है पॉल्यूट। जब भी हम दूसरी कंट्रीज के अगेंस्ट वेपन्स उठाते हैं, हम अपनी मदर अर्थ को गंदा कर रहे होते हैं, पॉल्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है? क्योंकि जब भी वॉर्स होते हैं, गोलियां चलती हैं, कई सारे लोग अपनी जानों को गंवाते हैं, तो जब कोई इंसान मर जाता है वॉर में, उसकी डेड बॉडी मदर अर्थ के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से मदर अर्थ इम्प्योर होती है एक तरह से, है कि नहीं? आर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर ओन। आउटरेज का मतलब होता है टू वॉयलेट द प्योरिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की प्योरिटी को इम्प्योरिटी में कन्वर्ट कर देना, किसी भी शुद्ध चीज को अशुद्ध बना देना। तो जब भी वॉर्स होती हैं, इट लीड्स टू अलॉट ऑफ ब्लड शेड, राइट? इट लीड्स टू अलॉट ऑफ ब्लड शेड, फायर एंड डेथ। और इसी चीज को पोएट ने इम्प्योरिटी कहा है, ठीक है? दीज डेड बॉडीज अक्यूमुलेट ऑन अर्थ एंड मेक अर्थ इम्प्योर। ये वॉर की फायर की वजह से हमारी इतनी प्योर एयर इम्प्योर हो जाती है, ठीक है? मतलब कि पोएट सिंपली वॉन्ट्स टू से के वॉर से किसी को कोई फायदा नहीं है, सिर्फ हमें और मदर अर्थ को नुकसान है। ही वॉन्ट्स टू गिव अस अ मैसेज दैट वी शुड नॉट इंडल्ज इन वॉर, क्योंकि इससे किसी का कोई भला नहीं होगा। एंड द पोएम एंड्स विद द लाइन, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज। स्टार्टिंग वाली लाइन को ही रिवर्स करके पोएम खत्म हो रही है। मतलब हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि कोई भी इंसान फॉरेनर नहीं है और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये हमारी मदर अर्थ है, हम सभी को मिलजुल कर एक साथ यहाँ पर रहना है। हमें मदर अर्थ को अपना मानना है, उसे प्रोटेक्ट करना है बस, और अपनी लाइफ को पीसफुली जीना है। समझ आ गई ये पोएम? चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं हम आगे आने वाले वीडियोस में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आपसे मिलते हैं हम आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।